एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम्। ईश्वर वह अविनाशी चर अचर सब जगत में व्याप्त है। त्याग भाव से इस संसार का उपभोग करो, दूसरे के धन की लालसा मत रखो, लालची ना बनो, लोभी ना बनो। संसार में ये धन ये संपदाएं किसकी हैं? किसी की भी नहीं। वो परमात्मा ही हम मनुष्यों को इस जगत में सपने जैसा दिखाता रहता है। 100 वर्षों तक निष्काम भाव से कर्म करते रहो, इसमें लिपायमान मत रहो। अपनी आत्मा की आवाज को ना सुनने वाला व्यक्ति विपरीत मार्ग में चलने वाला व्यक्ति और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद घोर अंधकार में प्रवेश करता है। वह सनातन ब्रह्म परमात्मा चल अचल निकट और दूर, भीतर और बाहर, सर्वत्र व्यापक है, विद्यमान है। सबको अपनी आत्मा की तरह देखो। जैसा दुख पीड़ा हमें स्वयं को होती है, ऐसे ही दूसरों को भी होती है। दूसरों में अपनी ही आत्मा का प्रकाश देखने से मनुष्य कभी भी मोह में और शोक में नहीं पड़ता। वह है आदि पुरुष, निराकार, सर्वव्यापक, शुद्ध, निर्दोष, निष्पाप है। वही सबको उनके कर्मों के अनुसार ऐश्वर्य, भोग, सुख और दुख प्रदान करता रहता है। इस संसार में आत्माओं के लिए 2 मार्ग हैं, विद्या और अविद्या। ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को विद्या कहा जाता है और संसार के भौतिक मार्ग को अविद्या कहा जाता है। इन दोनों का ही समन्वय मनुष्य को करना पड़ता है। सांसारिक कर्म मार्ग से भौतिक सुखों की प्राप्ति तथा ब्रह्म विद्या से ब्रह्म मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी को सम्भूति, भौतिकवाद और असम्भूति, आध्यात्म कहा जाता है। इन दोनों का जो समन्वय करके चलता है वह है सुख, शांति और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। वायुर नीलम अमृतम, यह आत्मा वायु की तरह निराकार सर्वत्र विचरण करने वाला, कभी शरीर में और मृत्यु के बाद परलोक में विचरण करता रहता है। भस्मांतम शरीरम, ये भौतिक शरीर तो भस्म हो जाता है, किंतु जिन्होंने सत्कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उनकी आत्मा उच्च लोकों में देवात्माओं के संग विचरण करती है। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य इस्यापि हितम मुखम, सूर्यमंडल में स्थित उस ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका है। तत्वं पोषन्न पावरण सत्य धर्माय दृष्टये, हे पूजन, हे पूज्य, मुझ सत्य धर्म को आत्म उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। पोषन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजः, हे यम, जगत का नियमन करने वाले नियंता, अपनी तीव्र किरणों को हटा ले। संसार की इस चमक दमक में आत्माएं तुझको देख नहीं पाती। यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्तम पश्यामि यो असावसः पुरुष सो अहमस्मि, तेरे कल्याण रूप को मैं देखता हूं। वह जो आदित्य मंडल में, सूर्य मंडल में स्थित तेजोमय पुरुष है, वो मैं ही हूं। यानी सूर्य में जो ऊर्जा है वो ही इस जीव आत्मा में है। ब्रह्म और जीव दोनों के एकत्व को जो देखता है वह मनुष्य इस संसार में मोहित नहीं होता, अज्ञान में नहीं डूबता, परमात्मा से अलग अलग हुआ भटकता नहीं फिरता। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष वो ही मेरी आत्मा में चमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 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 हे ज्योति पुरुष, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर, तेरा नाम सच्चा। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये तेजो में, तेरा नाम सच्चा। हे तेजो में, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म, तेरा नाम सच्चा। चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, परमात्मा हर युग में अपने प्रकाश महल के दरवाजों को खोले पवित्र आत्माओं का इंतजार करता है, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, निर्मल बना लिया। वे हर युग में उस परम ब्रह्म आदि पुरुष से जाके मिलते हैं, जो निष्पाप हो गए, जो पवित्र हो गए। वह प्रभु उन आत्माओं को अपनी महिमा में स्वीकार करता है। चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, परमात्मा हर युग में मिलता। चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, परमात्मा हर युग में मिलता। सतयुग में 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर उस परमात्मा की रोशनी आत्मा में आती थी, त्रेता युग में एक वर्ष तक रात दिन तपस्या करने पर आत्माएं प्रकाशित होती थी। द्वापर युग में सवा महीने तक कठोर तप करने से परमात्मा की ज्योति का अवतरण इस आत्मा में होता था। और कलयुग में केवल परमेश्वर का नाम जपने मात्र से एकाग्र चित्त होकर शांत हृदय से केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो अपने मन को संसार की तरफ से हटा के उस परम ब्रह्म में लगाता है, एक दिन में उसकी आत्मा में प्रकाश झिलमिल करने लगता है। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, परमात्मा हर युग में मिलता। हो या कलयुग हो, परमात्मा हर युग में मिलता। चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, परमात्मा हर युग में मिलता। चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, परमात्मा हर युग में मिलता। निष्पाप जो आत्मा हो गया, वो जाके प्रभु से है मिलता। निष्पाप जो आत्मा हो गया, वो जाके प्रभु से है मिलता। वो जाके प्रभु से है मिलता। वो जाके प्रभु से है मिलता। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका अमर उजाला दमकता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा। महादेव शिव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे निवास करते थे। वे केवल सन्यासी ही नहीं थे, बल्कि हिमालय के अधिराज थे, राजा थे। परम पवित्र ब्रह्मरूप ज्योतिर्मान आत्मा वाले अपने निकट बैठे नंदी को उन्होंने कहा, नंदी तुम्हारा एक जन्म उत्तरपथ के कांचन साम्राज्य में हुआ था, उस विषय में सुनो। कांचन राज्य का अधिपति नीलमुख नाम का राजा था। वृद्धावस्था में उसके एक पुत्र हुआ, अति सुंदर प्रकाशित मुख वाला। उसका नाम राजा ने स्वर्णमुख रखा। वो राजकुमार 10-12 वर्ष का हुआ होगा, राजा की मृत्यु हो गई। 12 वर्ष के लड़के को कैसे राजगद्दी सौंपी जाए? जितने मंत्री थे, राजकर्मचारी थे, राजगुरु थे, सब चिंता में पड़ गए। 10-12 वर्ष का लड़का किस तरह से राज्य को संभाल सकता है? कुछ ने कहा, ये राजकुमार बहुत ज्ञानी, अंतरात्मा से ईश्वरीय ज्ञान को धारण किए हुए है। कुछ ने कहा, इसमें लड़कपन है, लड़कों जैसी बातें हैं। सबने मिलकर एक समिति बनाई, इस राजकुमार की परीक्षा होनी चाहिए। एक मूर्ख वनवासी व्यक्ति को वे ले आए, उसको अच्छे कपड़े पहना के राजकुमार के सामने बैठाया। कहा, राजकुमार, ये व्यक्ति तुम्हारे पिता के वक्त में राजपुरोहित था, ये बड़ा ज्ञानी है। राजकुमार स्वर्णमुख ने उसको बड़े गौर से देखा। कहा, आचार्य, कुछ वेद मंत्र सुनाइए, क्योंकि मैंने 12 वर्ष की अवस्था में 3 वेद कंठस्थ कर लिए हैं, 4था पढ़ रहा हूं। आप कुछ वेद मंत्र मुझे सुनाएं। उसको एक भी मंत्र याद नहीं था। अनपढ़, मूर्ख, बुद्धिहीन उस व्यक्ति को वे राजपुरुष राजकुमार की परीक्षा करने के लिए लाए थे। वह वनवासी मौन रहा, कुछ बोल नहीं सका। राजकुमार ने कहा, मेरे राज्य के विद्वान पुरुषों, ये मनुष्य विद्वान नहीं है, आपको धोखा हुआ है। ये व्यक्ति मेरे पिता का राजपुरोहित था ही नहीं, इसको आप ले जाइए। दो चार दिन बाद एक और वनवासी मनुष्य को वे लोग लेके आए कि अब की परीक्षा करें। कहा, राजकुमार इसको देखो, ये तुम्हारे पिता के वक्त में न्यायाधीश था, बड़े बड़े उलझे हुए मुकदमों को ये सुलझाता और न्याय किया करता था। राजकुमार ने बहुत गौर से उसको देखा। कहा, न्यायाधीश, किसी मनुष्य की जीभ कट जाए, कोई व्यक्ति तलवार से उसकी जीभ काट दे तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, और किसी की जीभ अपने ही दांतों से कट जाए तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, दोनों को मृत्यु दंड। राजकुमार ने कहा, ये न्यायाधीश हो ही नहीं सकता। तुम किसी गांव के गंवार आदमी को, अनपढ़ व्यक्ति को पकड़ के ले आए हो, इसको ले जाओ। कुछ दिन बाद एक और वनवासी पुरुष को वे लोग पकड़ के ले आए। कहा, राजकुमार देखो, ये कितना बलशाली व्यक्ति है, तुम्हारे पिता के वक्त में ये सेनाओं का संचालन किया करता था, सेनापति हुआ करता था। राजकुमार ने उसको बहुत ध्यान से देखा, गौर से देखा। उससे पूछा, सेनापति, यदि कोई राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे तो आप प्रजा को क्या निर्देश देंगे। उसने कहा, हम प्रजा को कहेंगे सब लड़ो। राजकुमार ने कहा, प्रजा में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी हैं, वे कैसे लड़ सकते हैं? जो प्रशिक्षित सैनिक हैं वे ही दुश्मन की सेनाओं का सामना कर सकते हैं। राजकुमार ने कहा, इसको आप ले जाइए, ये सेनापति कभी नहीं था, ना आगे हो सकता है। लोग समझ गए कि राजकुमार बुद्धिमान है, राजा बनने के योग्य है, उसका राज तिलक कर दिया गया। वह विद्वान पुरुषों का सम्मान करता, दुष्टों को दंड देता, सदा धर्म का आचरण करता। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। उस वृद्ध पुरुष के साथ 10-12 व्यक्ति और थे। एक ने कहा, युवराज, ये वृद्ध पुरुष अपराधी है, इसके कारण मेरे 2 बैल चोरों ने चुरा लिए। राजकुमार ने वृद्ध से पूछा, क्या ये सत्य कह रहे हैं? वृद्ध ने कहा, हे राजकुमार, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता। इनके दो बैलों को मैं जंगल से लेके इनके घर पे गया था, घर बांध दिया, कहा तुम्हारे बैल ये बंधे हैं, इनका ध्यान रखना। अब मैं अपने घर जाता हूँ। और रात्रि में चोर आए और उन बैलों को चुरा के ले गए। इसमें मेरा क्या दोष है? कोई व्यक्ति अपने जानवरों की संपदा की रक्षा ना कर सके और दूसरे पे दोष लगावे तो क्या ये उचित है? राजकुमार ने जिसके बैल थे उनसे कहा, तुम इस वृद्ध पुरुष पर किस लिए दोष लगा रहे हो? क्या ये चोरों के साथ था? बोले नहीं। फिर तुमने यहां तक लाके इसको कष्ट दिया है, अतः बदले में इसको कुछ स्वर्ण मुद्रा दो और मैं तुमको बंदी गृह में डाल सकता हूं, इसलिए वापस चले जाओ, डालता नहीं हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये वृद्ध पुरुष मेरे घर आया और मेरी पत्नी से कहा मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। मेरी पत्नी भोजन लेने के लिए दूसरी मंजिल पे गई, भोजन लाते समय फिसल गई, उसका एक हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई। इस वृद्ध के कारण मेरी पत्नी आज भी बीमार पड़ी है। राजकुमार ने कहा, यह तुम्हारा अतिथि था, तुम्हें भोजन कराना चाहिए था या नहीं? कहा हाँ। तुम्हारी पत्नी अपने आप गिरी या इसने जानबूझ के पटक दिया? बूढ़े ने बोले नहीं। तो फिर तुम इस निर्दोष वृद्ध पर दोष लगाते हो, इसलिए इसको स्वर्ण मुद्रा दो और मैं तुमको बंदी गृह में डाल सकता हूं, इसलिए वापस चले जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, राजकुमार ये वृद्ध पुरुष मार्ग में जा रहा था, रास्ते में मेरा घोड़ा रस्सा तोड़कर भाग रहा था, मैंने इसको कहा किसी भी तरह से इसको पकड़ लो या कुछ इसके पैर में मार दो जिससे ये रुक जाए। और इस बूढ़े ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उसके मारी, घोड़ा रुक तो गया किंतु उसका पैर टूट गया। ये अपराधी है। बूढ़े ने कहा, प्रभु जैसा इसने कहा मैंने तो इसकी मदद के लिए वैसा किया था। यह तो बिना बात के मुझ पे दोष लगा रहा है। यदि मैं इसके कहने को ना मानता तो मैं इसकी मदद करने वाला ना ठहरता। मैंने तो मदद के लिए ऐसा किया था। अब उस घोड़े का पैर टूट गया तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे मन में इसके प्रति कोई विरोध बैर नहीं है। राजकुमार ने कहा, घोड़े वाले से तुम्हारी गलती है, बिना बात को तुम इस निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगा रहे हो, इसने तो तुम्हारी मदद की थी, इसको तुम स्वर्ण मुद्रा दो अन्यथा मैं तुमको बंदी गृह में डाल दूंगा। वृद्ध पुरुष ने कहा, प्रभु मुझे इन लोगों की ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। मैंने जीवन भर अपनी मेहनत से कमा के अन्न ग्रहण किया है, ये स्वर्ण मुद्राएं इन्हीं को वापस दे दीजिए। मैं जिस मार्ग से आ रहा था वहां कुछ ब्रह्मचारी वेद अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे वृद्ध पुरुष, तुम राजा के पास जा रहे हो, हमारा एक प्रश्न है। पहले हम लोग प्रातः काल में उठ के वेद पढ़ते थे तो हमारी याद हो जाते थे, अब हम याद करते हैं तो याद नहीं होते, इसका क्या कारण है? ये राजा से पूछना। राजकुमार ने कहा, हे वृद्ध पुरुष, तुम उनसे कहना, जब तुमको वेद याद हुआ करते थे तुम धर्म का आचरण किया करते थे, अब केवल मंत्र पढ़ते हो और पाप आचरण करते हो, धर्म का आचरण नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते, आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, इस कारण से अब वेद विद्या तुमको प्राप्त नहीं होती। तुम लोग धर्म आचरण करो, विद्या का अभिमान ना करो, आपस में एक दूसरे का सम्मान करो। धर्म आचरण करने से ब्रह्म विद्या तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगी। उस वृद्ध पुरुष ने कहा, प्रभु मैं एक गांव से गुजर रहा था, एक व्यक्ति ने पूछा, उस पेड़ के नीचे एक नागराज रहता है, सांप, मेरा बैल इधर से उधर से घूम के उसी पेड़ के चक्कर काटता रहता है, वहीं चुगता है, मैं बार बार उसको वहां से हटाता हूं कहीं नाग इसको काट ना ले, पर ये वहीं जाता है। राजकुमार ने कहा, हे वृद्ध पुरुष, उस व्यक्ति को कहना, तुम्हारा बैल पिछले जन्म में कोई धनी व्यक्ति था या राजा था और उसका धन स्वर्ण खजाना उस पेड़ के नीचे दबा है, जिसकी रक्षा वो नागराज करता है और वो नाग उसको कभी काटेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों की आपस में मित्रता थी। जिसका वो बैल है वह उस जगह को खो दे और उस धन को निकाल ले, और उस बैल को जब तक वो जीवित है कभी कष्ट ना दे, दुख ना दे, क्योंकि धर्म आचरण करने से ही मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है और पाप आचरण करने से मनुष्य को दुख, दुर्गति और नरक की प्राप्ति होती है। शिव ने कहा, नंदी, उस उत्तर पथ में कांचन्य राज्य में महाराजा नीलमुख का पुत्र जो स्वर्णमुख था, परम ज्ञानी, परम पंडित, ईश्वर भक्त, प्रजावत्सल, वो तुम ही थे। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष वही मेरी आत्मा में चमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, होते जो मैं तेरा नाम सच्चा, होते जो मैं तेरा नाम सच्चा। सांस सांस पे जो करे उस आदि पुरुष का जाप, सांस सांस पे जो करे उस आदि पुरुष का जाप, सत्कर्म के फूलों से पूजा करे उन्हें आके मिलता वो आप, सत्कर्मों के फूलों से पूजा करे उन्हें आके मिलता वो आप, उन्हें आके मिलता वो आप, उन्हें आके मिलता वो आप। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष वही मेरी आत्मा में चमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, हे तेजो मैं तेरा नाम सच्चा, हे तेजो मैं तेरा नाम सच्चा। गुरु ने दिया अटल सुहाग चढ़ाया धर्म जहाज, गुरु ने दिया अटल सुहाग चढ़ाया धर्म जहाज। सच्चे गुरु ने मेरी आत्मा को धर्म रूपी जहाज पे चढ़ा दिया, अटल सुहाग अविनाशी परमात्मा को मेरा हाथ उस सच्चे गुरु ने थमा दिया। गुरु मिले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा नहीं तो मेरी आत्मा जन्म मरण में भव सिंध में भटकती फिरती थी। और गुरु ने बताया जो प्रकाश सूर्य में है, जो ब्रह्मा में है, विष्णु में है, महादेव के भीतर जो रोशनी है वो ही तुम्हारी आत्मा में है। अखिल ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का जरा सा टुकड़ा थी मेरी आत्मा, अखिल ब्रह्मांड का जरा सा टुकड़ा थी मेरी आत्मा। मुट्ठी भर लोगों के मोह में बंधी थी मेरी आत्मा, मुट्ठी भर लोगों के मोह में बंधी थी मेरी आत्मा। मैं जब इस देह से निकला तो बस हैरान रह गया, मैं जब इस देह से निकला तो बस हैरान रह गया। बुलबुले थे देवता, समंदर थी आत्मा, बुलबुले थे देवता, समंदर थी आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक धरते जिसका ध्यान, वो है मेरी आत्मा। मैं किसको करूं प्रणाम? सूरज को भी ग्रहण लगता जो देवी सबको प्रकाश, उस सूरज को भी ग्रहण लगे जो देवे सबको प्रकाश। कर सत्कर्म मेरी आत्मा क्यों होवे है उदास, कर सत्कर्म मेरी आत्मा क्यों होवे है उदास। मेरे ही भीतर सोया था वो आदि पुरुष परमात्मा, मेरे ही भीतर सोया था वो आदि पुरुष परमात्मा। उसका मुख देखने के लिए तड़पती रही मेरी आत्मा, मेरे ही भीतर सोया था वो आदि पुरुष परमात्मा। उसका मुख देखने के लिए तड़पती रही मेरी आत्मा। कितने जन्म तक मैंने योग किया, कितने जन्म तक मैंने योग किया, कितने जन्मों तक दुख सहा, कितने जन्मों तक पत्ते खाए, कितने जन्म गुफाओं में बिताए, कितने जन्म जपा प्रभु का नाम, कितने जन्म जपा प्रभु का नाम, कितने जन्म मन रहा वासनाओं का गुलाम। कितने जन्म मैंने तपोवन में बिताए, कितने जन्म मैंने तपोवन में बिताए, कितने जन्मों तक संसार में धक्के खाए, कितने जन्मों तक आंसू बहाए, कितने जन्मों तक आंसू बहाए, कितने जन्म प्रभु के गुण गाए, कितने जन्मों तक पिया नदियों का पानी, कितने जन्मों तक पिया नदियों का पानी, कितने जन्म सुनी ऋषियों की वाणी, कितने जन्मों तक किए उपवास, कितने जन्मों तक किए उपवास, कितने जन्मों तक किया निर्जन में वास। कितने जन्म सुनी कथा पुराण, कितने जन्म सुनी कथा पुराण, कितने जन्म किए वेद व्याख्यान। कितने जन्मों तक ताल कुएं खुदवाए, कितने जन्मों तक ताल सरोवर कुएं खुदवाए। यज्ञ किए अन्न क्षेत्र लगाए, कितने जन्मों तक करी दुखियों की सेवा, कितने जन्मों तक करी दुखियों की सेवा। और किसी जन्म में पूजे प्रेत पत्थर देवी देवता, कितने जन्मों तक मौन तप योग किया, कितने जन्मों तक संसार में भोग किया। कितने जन्मों तक किया राजपाठ, कितने जन्मों तक किया राजपाठ, कितने जन्मों तक किया शास्त्रार्थ वाद विवाद। कितने जन्म स्वर्ग में पाए, इंद्र बने माथे छत्र धराए। कितने जन्म स्वर्ग में पाए, इंद्र बने माथे छत्र धराए। कितने जन्म तक लिया संन्यास, कितने जन्मों तक किया वेद पाठ। कितने जन्मों तक करी गुरु की सेवा, मंत्र जपे करी गौओं की सेवा। कितने जन्म बीते मुनियों के संग, कितने जन्म बीते मुनियों के संग। कितने जन्मों तक हुए जोग तप भंग, कितने जन्म किया कंद मूल आहार। कितने जन्मों तक पिया जल और केवल पवन आहार। कितने जन्मों तक करे चमत्कार, सिद्धियां हासिल हो गईं। तो जिनको सिद्धियां हासिल हो जाती हैं उनमें अभिमान अहंकार करामात चमत्कार दिखाने की भावना, वाही वाही लूटने की भावना बढ़ जाती है। कितने जन्मों तक किए चमत्कार, मुर्दे जिलाए किया अहंकार और फिर खुद भी मर गए। कितने जन्मों तक छाया मोह का कोहरा, कितने जन्मों तक जगत से मुख मोड़ा वैराग्यवान हुए। कितने जन्म करे असुरों से युद्ध, कितने जन्म करे असुरों से दैत्यों से युद्ध। कितने जन्मों तक बने शांत शुद्ध बुद्ध। कितने जन्म मनु बनकर किया राज, बहुत सारे मनु हुए हैं। कितने जन्म मनु बनकर किया राज, कितने ही रचे सभ्य समाज। कितने जन्म तक आत्मा तड़पी, प्रभु प्रीतम से मिलने को तड़पी। इस जन्म प्रभु सन्मुख आया, इस जन्म प्रभु सन्मुख आया, मुझको अपने कंठ लगाया। इस जन्म प्रभु कृपा कीनी, मुझको अमर चुनरिया देनी। इस जन्म प्रभु कृपा कीनी, मुझको अमर चुनरिया देनी। इस जन्म प्रभु ने किया उपकार, दूर किया मन का अंधकार। कहें बाबा फुलसन्दे वाले, कहें बाबा फुलसन्दे वाले, सतगुरु ने कर दिए उजाले। सतगुरु ने कर दिए उजाले। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वो मेरी आत्मा में चमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। हे जगतपति तेरा नाम सच्चा। हे जगतपति तेरा नाम सच्चा। हे तेजो मैं तेरा नाम सच्चा। हे तेजो मैं तेरा नाम सच्चा। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वही मेरी आत्मा में चमकता है। सूरज मंडल में जो ज्योति पुरुष, वो मेरी आत्मा में चमकता है। सृष्टि के कण कण में उसका ही अमर उजाला दमकता है। सृष्टि के कण कण अमर उजाला दमकता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। घट घट वासी तेरा नाम सच्चा। घट घट वासी तेरा नाम सच्चा। हे अविनाशी तेरा नाम सच्चा। हे अविनाशी तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। हे ईश्वर तेरा नाम सच्चा। तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है मेरे परमा। यजुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य इसस्यापि हितं मुखम, उस परम सत्य का मुख स्वर्णिम ढक्कन से ढका हुआ है। वो परम तेजो में परमात्मा हमारी आत्मा में, और वो ढका हुआ है संसार की चमक दमक में, जिस चमक दमक के पीछे हमारा मन भागता रहता है। आदित्य मंडल में स्थित उस परम ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। तत्वं पूषन्न पावरण सत्य धर्माय दृष्टये, हे पूजन, हे यम, हे परम ब्रह्म, मुझ परम सत्य की खोज करने वाले के लिए, आत्मा की उपलब्धि के लिए तू इसको उघाड़ दे। पोषण्य कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजः, हे यम, जगत के नियंता, देवताओं मनुष्यों सिद्धों 84 लाख जूना जून को अपने वश में रखने वाले, हे परम ब्रह्म, तू अपनी किरणों को हटा ले। इस चकाचौंध में मुझको कुछ दिखाई नहीं देता। यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्तम पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहम अस्मि। मैं तेरे परम कल्याण में रूप को देखता हूं। ये जो सूर्य में स्थित ज्योति पुरुष है, तेज है, वो ही मेरी अंतरात्मा में है। सो हम अस्मि, जो वो है वो ही ये मेरी आत्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सनकादिक, जिसका धरते ध्यान, वो है मेरी आत्मा। मैं किसको करूं प्रणाम? कण कण में समाये हुए, जूना जून में समाये हुए, सभी मनुष्यों में समाये हुए उस तेजो में परम ब्रह्म ज्योति पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।